भाई बताइयो कैसी थी मूवी? फिल्म वाज एब्सोल्युटली फाइन। हिंदी में बोले इंजा। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ ब्रह्मास्त्र मूवी देखने जा रहा हूँ। ओह माय गॉड, वाओ। वैसे देखने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन इसके जो रिव्यूज है वो काफी अच्छे आ रहे हैं। 50% अच्छे हैं, 50% थोड़े ऐसे ही बता रहे हैं। तो कोई नहीं, हम देख के बताएंगे मूवी कैसे है। और वैसे भी मन हो रहा था फैमिली के साथ कोई मूवी देखने का, तो चलो ब्रह्मास्त्र मूवी देखते हैं। और अभी हम हैं वेगस मॉल के बाहर, और अभी मैं, मेरी बहन यहीं पर ही है, और मेरा भाई मेरी मम्मी को लेने गया है। तो जैसे ही वो आते हैं फिर हम देखते हैं। सुबह 9 बजे का शो है, तो जाके मैं भी बताता हूँ कि भाई मुझे मूवी कैसी लगी। और वैसे भी बॉलीवुड की आजकल जो मूवियाँ हैं वो आप जानते ही हो कैसी आ रही है। तो इस मूवी का रिव्यू काफ़ी अच्छा है, तो मैं भी बताता हूँ कि भाई मूवी कैसी है। तो चलो चलते हैं। तो गाइज, मम्मी आ गई है, और ये मेरी सिस्टर है, और भाई गया नीचे बाइक पार्क करने, और अभी हम जा रहे हैं। 9 बजे का शो है। अभी कितने बज रहे हैं जीजी? 9:57। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, 9 बजे का शो था, जब लास्ट टाइम हम कश्मीर फाइल्स देखने आए थे आज से 4-5 महीने पहले। तो थोड़ी छूट की थी हमसे, लेकिन ये नहीं छोड़नी है भाई, क्योंकि इस मूवी के रिव्यू काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो भाई ये हमें देखनी है। तो चलो फिर चलते हैं। A few moments later. तो भाई अभी हुआ है इंटरवल, और क्या मूवी है यार, क्या मूवी है। मतलब स्टार्टिंग में तो लगेगा ही नहीं कि बॉलीवुड की मूवी है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अभी इंटरवल हुआ है, इंटरवल में बस थोड़ा प्यार मोहब्बत ज्यादा दिखा रहा था, लेकिन पैसा वसूल मूवी है, आप देख सकते हो। और मेरा तो प्लान है मैं दोबारा देखने आऊंगा। तो अभी तो इंटरवल में काफी सही चल रही है, अभी देखते हैं एंड में क्या होता है। लेकिन क्या VFX है यार, मतलब मस्त मस्त मूवी है भाई। बता थोड़ा यार मूवी के बारे में, बता भाई इंटरवल कैसा है, अभी तक की कैसी है मूवी? बढ़िया है ना। अगर स्टार्टिंग में थोड़ा लव ट्रायंगल थोड़ा सा, लेकिन वो बिल्डअप के लिए जरूरी होता है। अब इंटरवल हुआ है, उसके बाद बताते हैं कि क्या होता है। इंटरवल तो काफी बेस्ट है, बढ़िया है भाई। हम चश्मिस लोगों का ना एक नुकसान है 3D मूवी देखने में, हमें 3D मूवी भी ऐसे देखनी पड़ती है। पहले ये लगाया, फिर उसके ऊपर ये लगा, अब ऐसे देखनी होती है हमें 3D मूवी। भाई मूवी हो चुकी है ख़त्म, हमने देख लिया, अब आए हम बाहर। और अगर मैं मूवी बताऊं तो भाई नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। मतलब बॉलीवुड की अभी तक की सबसे बेस्ट मूवी मेरे को ही लगी। लास्ट टाइम हमने द कश्मीर फाइल देखी थी, उसके बाद यही देखी है। और मूवी भाई पैसा वसूल मूवी है, VFX नेक्स्ट लेवल है। अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊं तो जो स्टार्टिंग की जैसे शुरुआत होता है ना, तो आप देखते रह जाओगे भाई क्या सीन है। और मेरे को सबसे बेस्ट जो सीन लगा, सबसे बेस्ट सीन मेरा था, मेरे को शाहरुख खान और जो नागार्जुन सर है ना, उनका जो रोल है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और बाकी अगर लास्ट की जो फाइट है वो बिल्कुल एवेंजर जैसी है, बस उससे थोड़ा कंपेयर मत करना, लेकिन मज़ा बिल्कुल एवेंजर जैसा ही आएगा। और बस बॉलीवुड है तो थोड़ा प्यार मोहब्बत इन्होंने ज़्यादा डाल रखा है, लेकिन ठीक है, एवरेज है। अगर देखे तो पैसा वसूल मूवी है, देख सकते हैं। और मैं दोबारा जाऊँगा देखने, मुझे बहुत मस्त लगी, तो मैं दोबारा प्लान करूँगा। बाकी ये मेरा रिव्यू था, मैं अपने भाई का बताता हूँ कि वो क्या सोचता है इसके बारे में। भाई बताइयो कैसी थी मूवी? फिल्म वाज एब्सोल्युटली फाइन। हिंदी में बोले इंजा। मूवी यार मतलब परफेक्ट थी। अगर मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री का अकॉर्डिंग में बताऊँ बहुत बढ़िया थी। 400-450 करोड़ में जितना उन्होंने दिया परफेक्ट दिया। हाँ लगता है, मतलब उन्होंने पैसा खर्च करा भाई, नज़र आता है बिल्कुल। एवेंजर में देखो करोड़ों रुपए लगते हैं तब जाकर उस लेवल का बनता है, बट
यहाँ ये अकॉर्डिंग ठीक था। आप प्यार मोहब्बत देखो बॉलीवुड इंडस्ट्री, प्यार मोहब्बत थोड़ा ज्यादा दिखा रखा है लेकिन ठीक है, बाकी का देखोगे तो कवर हो जाएगा। लेकिन और VFX नेक्स्ट लेवल है भाई, नेक्स्ट लेवल। देखो ये टॉप नॉच, टॉप नहीं है लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते हो कि हाँ, में जब आप देखोगे ग्रो करा है भाई बॉलीवुड ने, ग्रो करा है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये है कि पहला जो फर्स्ट हाफ है वो थोड़ा स्लो है, स्टोरी को बिल्ड करने के लिए प्यार मोहब्बत थोड़ा ऐसा दिखाया है, वो कनेक्टिविटी है आप जब देखोगे तो कनेक्टिविटी उसमें नजर आती है एंड में कि ऐसा क्यों है। बस अब ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, रिव्यू देना अच्छा, बस इतना रिव्यू है, बस ज्यादा नहीं है। मैं दोबारा देखने जाऊंगा, बस मैं इतना समझ जाऊँ मूवी भाई धासु है। तो चलो फिर चलते हैं, देखते हैं कुछ और करते हैं। तो कर ना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो गाइज ये है वेगास मॉल द्वारका में, और अभी मॉर्निंग का टाइम है तो अभी धीरे धीरे भाई ये खुल ही रहा है, और ये भाई ऊपर चल रही है साफ सफाई, ये देखो। तो गाइज अभी आए हम मैकडी में और यहाँ हमने कुछ ऑर्डर दिया है, तो यहाँ थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे उसके बाद फिर घर निकलेंगे। तो गाइज ब्रह्मास्त्र मूवी देखने के बाद और थोड़ा बहुत कुछ खाने के बाद अब निकल रहे हैं घर पे, और यहाँ बारिश भी आ रही है धीरे धीरे और मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है। जयपुर में तो बहुत बुरा हाल था पर यहाँ मज़ा आ रहा है। तो बस अब निकलते हैं घर पे, बस इतना ही व्लॉग था, मूवी के बारे में थोड़ा रिव्यू देना था, बाकी और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।